Thank you very much. But you can let me know in the chat if, if there is anyone who doesn't understand uh, uh, uh Hindi at all. Why I do calls in Hindi is because majority of the audience is Hindi speaking and Hindi understanding. Thank you. तो ये आपका आपका जो स्वास्थ्य है आपको कोई पहले बीमारी हो चुकी है क्या बड़ी है या आ, आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है जैसे कई भाई हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम रहती है बाकी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं एस्थमा रहता है तो इन सब चीजों का हाँ फर्क पड़ता है आ, कि आपके बॉडी कैसे ग्रहण कर रही है है ना? आपकी उम्र सबसे ज्यादा कि सबसे बढ़िया असर करता है ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो अठारह साल से लेकर के और तीस साल की उम्र तक तीस साल की उम्र के बाद जो है वो कम असर करना शुरू करता है धीरे धीरे कम होता रहता है फिर चालीस के बाद और ज्यादा कम हो जाता है तो इस तरह से जो है कम 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 होने लगता है सबसे ज्यादा असर जो होता है वो अठारह से तीस की उम्र के बीच का होता है हाँ। फिर आपका जैसे मैंने बोला वंशानुगत आपका पारिवारिक इतिहास क्या है परिवार में आपके पुरुषों की क्या इतिहास रहा है फिर आपका लाइफस्टाइल आपकी जीवन शैली कितनी है आप पूरा दिन क्या आठ दस घंटे उस पर बैठ करके काम करते हैं या फिर आपका कुछ वॉकिंग वगैरह इन्वॉल्व है जिम जाते हैं किसी तरह की एक्सरसाइज करते हैं फिर आपका तनाव स्तर कैसा है जैसे तनाव जो है वो तो भैया में खोता ही होता होता ही है मुझे भी बहुत भयंकर स्ट्रेस रहता था तो वो कैसे मैनेज करें फिर आपका जो है प्रोडक्शन कैसा है कई बार ऐसा होता है कि जिन भाइयों को जो है ना क्या होता है देखो हम लोग महिला शरीर में पैदा हुए हैं तो हमारा जो प्राइमरी स्रोत है जो मुख्य स्रोत है हार्मोन्स का वो तो हमारा ईस्ट्रोजन है जो ओवरीज में होता है और न्यूट्रस वगैरह में रहता है है ना तो अब जब हम बाहर से टेस्टेस्ट्रॉन लेना शुरू करते हैं तो इसरो लड़ाई करना शुरू करता है कि ये कौन है भाई ये कौन है ये कहाँ से आ गया तो वो उनसे लड़ता है तो उसमें कई बार समय लगता है उसको डोमिनेंट आपका जो है हार्मोन बनने में आपका जो प्रधान मुख्य स्रोत बनने में बहुत रहता है तो उसमें कई बार होता है कि जब लड़ाई होती है लड़ाई के चलते जो है कई बीमारियां होने लगती हैं जैसे कई बारियां जो बोलते हैं कि पेट में ऐसा दर्द होता है जैसे पीरियड्स के टाइम पे होता था और वो नहीं जाता जैसे हमारे आकाश भाई हैं जो हमारे एडमिन है उनको भी यही था तो ऐसा पीरियड का पेन होता है और वो जाता नहीं तो उसके लिए फिर आपको हिस्ट्रक्ट नहीं करानी पड़ती हिस्ट्राक्टमी अलग से कराने की जरूरत नहीं है हाँ? उस पे भी मैं कॉल कर चुका हूँ वो भी आपको बताऊंगा मैं वो अब ये चलता सिलसिला चलता रहेगा ये वेंसडे कॉल मत करना ये सब मैं पिछले साल कर चुका हूँ फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ और फिर अगले साल फिर रिपीट करूंगा किसी और भाई के लिए आ, लेकिन हिस्टमी पे भी कॉल कर चुका हूँ तीन पार्ट की हुई थी और उसमें मैंने लड़कों को बुलाया था जिन्होंने हिस्टक्टमी कराई है उन्होंने अपने आकर के अनुभव साझा किए थे तो वो भी करेंगे लेकिन जब तक दिक्कत नहीं है प्रॉब्लम नहीं है मैं कहूंगा अवॉइड करो मत कराओ हिस्टाप्टी अगर जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं है कराने अच्छा हाँ ये है कि हिस्ट्रक्टमी करा लेते हो तो फिर ऑब्वियसली आपका डोमिनेंट वो जो है हार्मोन जो है आपका वो टेस्ट